आज मैं बनाने जा रही हूँ मैंगो पिकल। तो उसके लिए मैंने मैंगो लिया है, मैंगो को अच्छे से धो के मैंने कॉटन क्लॉथ से पोंछ लिया है। इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, तो इसे हम मैं छोटे छोटे पीसेस में पहले काट लेती हूँ। पीसेस आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे छोटे मोटे कर सकते हैं, और मैं थोड़ा छोटा कर रही हूँ। इसमें मसाला अच्छे से लग जाएगा। पूरा पीसेस होने के बाद दिखा देती हूँ। मैंगो का मैंने पीसेस कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद मैं एक कंटेनर में डाल रही हूँ। मैं ग्लास का लिया है, आप चाहे तो प्लास्टिक का ले सकते हैं, पर कांच का अच्छा रहता है अच्छा स्टोर करके रखने के लिए। बॉटल में डालने के बाद सॉल्ट अच्छे से मैंगो को लगने के लिए हमें एक दिन के लिए छोड़ना है। इसके बाद हम इसका अचार बनाएंगे। मैंगो में सॉल्ट डाल के 24 आवर्स हो गया है, 24 घंटे हो गए हैं। इसे निकाल के एक दूसरे बाउल में पानी में अलग रख रही हूँ। पानी मैंने अलग से निकाल दिया है, और अब मैं इसे आधा घंटा के लिए थोड़ा ड्राई होने के लिए फैन के नीचे रख रही हूँ। आप चाहे तो धूप में भी रख सकते हैं आधा एक घंटा। तो अभी फिलहाल मैं फैन के नीचे रख रही हूँ आधा घंटा। और मैंने अचार के लिए इंग्रेडिएंट्स लिया है, हींग, रेड चिली पाउडर, मस्टर्ड सीड्स और सरसों का ऑयल लिया है, मस्टर्ड ऑयल लिया है। मस्टर्ड ऑयल से अचार और अच्छा बन जाता है। मैंने कढ़ाई लिया है, कढ़ाई में मैं आधा ऑयल डाल रही हूँ, जैसे 250 ml उतना डाल रही हूँ। हाफ डाल दिया है, बंद कर रही हूँ। बंद करने के बाद इसमें थोड़ा ऑयल निकाल के रख रही हूँ। पूरा ऑयल हम यूज नहीं करेंगे, जितना चाहिए उतना यूज कर रहे हैं। अब इस गरम ऑयल में मैं मसाला सीड्स डाल रही हूँ। मस्टर्ड ऑयल अब थोड़ा ठंडा हो गया है। अब मैं इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हींग, थोड़ा मिक्स कर रही हूँ। करने के बाद अब ऑयल को हमें कंप्लीट ठंडा होने तक छोड़ना है। इसके बाद निकाल देती हूँ। और 30-40 मिनट्स मैंने फैन के नीचे रखा था। मैंगो भी अभी ड्राई हो गया है, इसका पानी पूरा ड्राई हो गया है। अब मैं ऑयल में इसमें ऐड कर रही हूँ रेड चिली पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च ये ज़्यादा तीखा नहीं है, कम तीखा है। तो देखिए और ऐड करेंगे, काटने के बाद मैंने सॉल्ट डाला हुआ है, आप चेक करके ही सॉल्ट ऐड कर दीजिए।
साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। बॉटल में डालने के बाद मैं स्टोर करके रख रही हूँ, इसलिए मैंने 2 टेबलस्पून में ऊपर से ऑयल ऐड कर रही हूँ। गर्म ऑयल हमेशा गर्म